यमुनानगर से हैं अनीता जी, स्वागत है आपका। हेलो। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको। नमस्ते। वो जी नमस्कार मैम। मैम, मेरे को ना बुखार रहता है 5-6 महीने उम्र कितनी है आपकी? 40 साल, और मेरी गुड़िया को ना कच्चा मन रहता है, 18 साल की है, और खाना नहीं पचता उसको। खाना नहीं हाँ जी, पचता, मतलब बताइए इसका। हाँ जी, जैसे खा लेती है ना तो वो कच्चा मन सा रहता है, तो पचता ही नहीं है शरीर में, पेट में, ऊपर आता रहता है। ठीक है ठीक जी है। आप दोनों के लिए एक ही नुस्खा वो इस्तेमाल करें, दोनों को फायदा मुमकिन है। नुस्खा भी बड़ा सा मामूली सा है। आपके किचन में खाने का सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, एक चुटकी लें और एक चुटकी नमक जैतून, असली असली नमक जैतून, ये 2 गिलास पानी मिलाकर आप लोग एक बार पिया करें दिन में, किसी भी वक्त, खाने से पहले खाने के बाद। आप भी लें खुराक और बच्ची को भी दें, दोनों के लिए बेहतर है, आप इसे लेना शुरू कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं रतन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। जय भारत। हकीम साहब रतन जी, जय भारत, जय भीम जी, मैं रतन तन्हा, साहिबगंज, झारखंड। जी मेरे जी शहर का नाम साहिबगंज है। जी तो जी मैं कहना चाहता हूँ, वो जो बुजुर्गवार थे जिन्हें मैंने दर्द के लिए दवा दी थी, काले गोल, वो ठीक हो गए। उनकी पत्नी कुछ प्रॉब्लम है और लंबा प्रॉब्लम है। वो उनको कब्ज की शिकायत है, 50 वर्ष से, और कब्ज के चलते मैंने बवासीर हो गए। वो परेशान है, पतली दुबली, मैंने आप उसको देखेंगे तो पतली दुबली, मैंने हड्डी पर सिर्फ चमड़ा चढ़ा हुआ इस टाइप की, लेकिन दिन भर काम करने में और प्रकृति के विरुद्ध चलती है। मैंने पूरा परिवार करीब करीब प्रकृति के विरुद्ध चलता है। मैंने रात में 1 बजे तक जगना और 10-11 बजे तक सोना। हाँ, और उसके बाद तब ये तो प्रकृति के विरुद्ध चलना हुआ सर। और जी परेशानी कब्ज का इतना है कि वो, आप जब उनका पति ठीक हुआ तो आप वो हमको तो कह रही है कि मेरा कब्ज और बवासीर, पादी बवासीर है, उसे ठीक करो। तो मैं क्या करूं, मैं तो आपके शरण में क्या कर सकता। मेरे पास है कुछ, लेकिन 50 वर्ष का मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या दूं क्या नहीं दूं। जी हाँ, देखिए आप बहुत सेवा कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मुझे याद है आपका पूरा वाकया। मैंने किसी को बताया भी आपकी जो ये कोशिश जो कामयाब हुई। एक बुजुर्ग बैठे रहते थे और आपका दिल चाहा कि ये चलने लगे, फिर आपने उनसे कांटेक्ट किया, फिर उनका इलाज किया, गौसिया दिया और भगवान ने उनको अच्छा किया। ये बात मैं भूल नहीं सकता कभी जीवन में। और ऐसे ही लोग घर घर हैं। देखिए ये अच्छे हुए तो इनकी पत्नी ने भी आपसे इलाज के लिए कहा। लोग ढूंढ रहे हैं इलाज, तड़प रहे हैं अपने रोग के लिए, लेकिन इलाज नहीं मिलता है। मैं आप तक घरेलू नुस्खे पहुंचाता हूं और आप भी जिम्मेदार हैं कि वो नुस्खे आगे तक पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं आपसे। कभी दिल्ली आए तो मुलाकात करें। और उनको देखिए, एक तो 2 बार 1 चम्मच सुबह खाली पेट भी दे सकते हैं और खाने के बाद भी 1 चम्मच ये अरंडी का तेल, इसे कैस्ट्रोल ऑयल भी कहते हैं, 1 चम्मच पिलाएं और 1 हफ्ते तक 1 ही चम्मच पिलाएं। और जब भी पिलाएं उसके बाद गरम गरम चाय या पानी जरूर पिए, ठीक है। और इससे फायदा कम लगे तो 2 बार भी ले सकते हैं, एक एक चम्मच फीका होता है ये गरम पानी या गरम दूध में मिलाकर भी लिया जा सकता है। और वही नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिला, और 6 चीज़ों का पाउडर, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन,
धनिया मेथी, आपको मालूम ही है, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया मेथी का पाउडर बना लें, एक चम्मच खिलाएं और ये पानी पिलाएं, दिन में 2 बार ऐसा कर सकते हैं तो उनको भी फायदा होना मुमकिन है। महाराष्ट्र से हैं मोहम्मद जी, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा है ना हार का ऑपरेशन हो गया है, और दो ये डाले उसमें स्टैंड, तो उसमें ना मेरे को अभी मैं सिरका ले रहा हूँ, तो इस वापस मुझे ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, इसके लिए सिरका ले रहा हूँ। और कितना दिन लेना पड़ेगा मेरे को? मैं अभी 1 महीना हो गया चालू किए है, और 2 टाइम लेता हूँ मैं, ठंडे पानी के साथ। गर्म पानी से लिया तो मेरे को बहुत सर्दी हो रही, और मेरे को है ना अभी डॉक्टर ने वो गोली हमेशा के लिए खाने को बोला है, तो मेरे को किडनी और लीवर खराब नहीं होना चाहिए गोली दवा से, इसके लिए मेरे को दवा बताइए। और जैतून का जो क्या नमक और आलसी, तो आलसी मुझे वो आलसी खाएगा तो फैट बढ़ेगा उससे, कुछ ऐसा मतलब हल्का चर्बी भी चढ़ेगा आलसी से। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, आलसी में जो ऑयल होता है उसमें फैट नहीं होता, अलसी, बादाम, अखरोट, इसके तेल फैट नहीं बल्कि फैट को कम करते हैं, ये याद रखें, तो उससे फैट नहीं बढ़ता। और ये जो स्टंट पड़े हुए हैं, जिसको भी स्टंट पड़ते हैं उनको बार बार ब्लॉकेज होता है, ऐसे मरीजों को चाहिए साल में 3 महीने कम से कम ये सिरका इस्तेमाल किया करें, और 2-2 चम्मच 2 बार 3 ले सकते हैं, पूरे दिन में 3-3 चम्मच भी ले सकते हैं, और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा भी मिला सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सिरका नहीं चलता, तो उन्हें चाहिए कि एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी जैतून का नमक 2 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार लिया करें, इससे भी इन्हें वही फायदा होना मुमकिन है। मध्य प्रदेश से हैं सीताराम जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है जी। सीताराम जी मैं हाजिर हूँ, आदाब, स्वागत है आपका। जी साहब, ये है कि पेट की समस्या है। पेट? हेलो, पेट में क्या होता है बताइए। पेट में गैस बहुत बनती है, सूजन रहती है, खाना हजम नहीं है। ठीक है ठीक है। दो दो किस्म के इलाज होते हैं, एक तो आप कर रहे होंगे तरह तरह के इलाज, वो फौरी तौर पर फ़ायदा भी हो जाता होगा, एक मुस्तकिल इलाज है जो हमारे सिस्टम को अच्छा करता है पेट के, और वो इतना कामयाब और मशहूर है, घरेलू नुस्खा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक कार्यक्रम में मैं कम से कम 5-6 बार बताता हूँ, इतने पेट के रोगी हैं और बेशतर लोगों को फ़ायदा भगवान देता है। आपके किचन की 6 चीज़ें हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें लीजिए। एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, और एक आता है नमक जैतून, वो असली ख़रीदें, एक चुटकी 2 गिलास पानी मिलाएं, और ये पानी से दिन में 1 बार या 2 बार खाने से आधा घंटा पहले ले लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हरियाणा से हैं रोशनी देवी जी, स्वागत है आपका। सर भाई साहब स्वागत है। रोशनी जी भाई साहब, मैं ये पूछ रही थी, जो आप 6 चीजों की पक्की बनाते हैं, क्या उसके अंदर मैं वो पीपली भी डाल सकती हूँ? और दूसरा सवाल ये है कि एक भेड़ है इसार, उसके जो है पहले तो उसकी सांसें फूलती हैं, फिर उसको चक्कर आते हैं, तो उसको चक्कर आने के बाद फिर उसके मतलब सारे शरीर में दर्द हो जाता है, तो मैंने वहां कंपनी में बात की थी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसको पी केयर कैप्सूल दो, तो मैंने फिर सोचा मैं भाई साहब से बात करूंगी तो फिर मैं सलाह लेऊंगी, तो फिर मैं क्या करूँ आप बताओ जी। ठीक है।
देखिए ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराए उनका, कोलेस्ट्रॉल चेक कराए और पूरी कैफियत लें। पी केयर तो देना शुरू कर दें कि कभी उनको पेट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम है तो पी केयर उनको अच्छा कर सकता है। लेकिन उनके ब्लड प्रेशर एक दिन में 4 बार चेक करें। इसकी मशीनें भी आती हैं, अपने घर पर ला कर रख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, लगाया और आपको पता रहता है कितना बीपी है। और चक्करों के लिए देखिए, अगर बीपी नहीं है तो ये एक्सरसाइज, ये 3 मिनट और ऐसे, ये 3 मिनट रोजाना करें। 3 मिनट हो जाना चाहिए, 3-3 मिनट, चाहे 6 बार में करें, 10 बार में करें, लेकिन 3-3 मिनट करें। अगर जो मैं समझ रहा हूँ, अगर वो रोग है तो 10 से 15 दिन में इनको आसानी हो जानी चाहिए। हो सकता है दवा की ज़रूरत भी ना पड़े। इन सब बातों पर अमल करें और फ़ायदा उठाएं। जी, 6 चीज़ों में पीपली डाल सकते हैं? हाँ, पीपली डाल सकते हैं, लेकिन पीपली 100 ग्राम में 10 ग्राम डालते हैं बस। तो 6 चीज़ों में आप सिर्फ 60 ग्राम डाल सकते हैं। ये पीपली का हिसाब है, क्योंकि काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी गर्म होती है, तो अगर इतना लेंगे तो आपको इजाजत है कि आप उसमें पीपली मिला सकते हैं। महेंद्र जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ जी। आपका सवाल? मैंने आपसे दवाई मंगाई थी जी, जैतून का सिरका था और वो काला गोंद था, तो वो पूछना था कि इंसाफ से कैसे लेना है, क्या है? अच्छा, अभी शुरू नहीं किया है जी? अभी शुरू नहीं किया। शुरू तो किया हुआ है जी, लेते हैं 2 टाइम लेते हैं सिरका जी। कब से ले रहे हैं? एक एक तक। किस रोग के लिए ले रहे हैं ये? एक तो पाचन क्रिया खराब है, हाजमा नहीं होता है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो 2-2 चम्मच 2 बार खाने के बाद पानी में मिलाकर लेना बेहतर है। इससे पाचन क्रिया और एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल और दिल के लिए बहुत अच्छा है, और डायबिटीज को भी कंट्रोल रखता है। अपनी दवाइयों के साथ इसे ले सकते हैं। और गोंद से आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध से लेना बेहतर है। 3-4 महीने इस्तेमाल करें तो आपको फायदा होना मुमकिन है। हिमाचल से हैं सतीश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार अखिलेश साहब। जय हिंद सतीश जी, स्वागत है आपका। अखिलेश साहब, बात ऐसे है कि मेरा लड़का है 27 साल का, उसको हिचकी आती है 5-6 महीने के बाद, हिचकी शुरू होती है 3-4 दिन लगी रहती है। 2.5 साल का बच्चा? 27 साल। 27 साल का, ठीक है जी। अच्छा देखिए, एक गोंद आता है, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, वो मैं दफ्तर में गया तो मेरे एक माविन को हिचकी आ रही थी। मैंने कहा इतनी हिचकी आ रही है? कहने लगा मेरे 6-6 महीने तक हिचकी आती रहती है। अरे मुझे तुझे मालूम नहीं वो गोंद मोरिंगा सफ़ेद? तो 1 ग्राम खा ले। और मुझे दूसरे दिन मिला तो कह रहा मुझे एक खुराक में फ़ायदा हो गया। हो सकता है आपके बच्चे को भी इसी तरह फ़ायदा मुमकिन हो। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना पानी के साथ या दूध के साथ या नारियल पानी के साथ दीजिए। ये अच्छा मुजरब नुस्खा है, यानी मेरे अनुभव का नुस्खा है, लेकिन असली लेना गोंद मोरिंगा सफेद, आपका बच्चा अच्छा हो सकता है। राधा कृष्णा जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। ए, मैं राधा कृष्ण बोल रहा जी। मेरे बेटे के मुंह में फोड़े है जी, काले बहुत, दाग वगैरह बहुत है जी, 17 साल का है। कुछ गुटके वगैरह खाते हैं क्या वो? हाँ जी, गुटका खाते हैं क्या आपके बेटे? नहीं, कुछ नहीं खाते डॉक्टर साहब जी, पढ़ रहा है, प्लस 2 में पढ़ रहा है। अच्छा, अंदर है मुंह के या बाहर? बाहर, काले काले मुंह से बहुत
चेहरा खराब हो गया, कीले बहुत दाग स्टक बहुत है, ठीक है चेहरे पे। जी देखिए एक आसान इलाज है, अलसी और धनिया हल्का सा भून लें, अलसी भी आप जानते होंगे धनिया भी, हल्का सा भून कर इसका पाउडर बना लें, ज़्यादा ना भूनें। और एक आता है नमक जैतून असली लें, नमक जैतून असली लेना ज़रूरी है, नकली भी मिलता है, बस एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और इस पानी से ये अलसी और धनिया का जो पाउडर है 1 चम्मच खिलाएं, दिन में बस एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, आपके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है।